हाय एवरीवन, तो यार आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। और उस टेक्निक को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद मैं ऐसे दो इंटरव्यू क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें से एक इसी टेक्निक पे बेस्ड होगा और एक किसी दूसरे टेक्निक पे बेस्ड होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आज दो नई टेक्निक सीखेंगे एरेज की और दो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो अमेज़ॉन वीएमवेयर जैसी कंपनीज में पूछे गए हैं, यानी कि दोनों इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। तो यार इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। वीडियो के बीच में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा जो दिखने में छोटी होती हैं लेकिन बहुत काम आती हैं। तो यार जिस टॉपिक और जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा था वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक काउंट सॉर्ट है। तो मैं से बहुत लोगों ने सुना होगा काउंट सॉर्ट के बारे में, इस टेक्निक को बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसका यूज बहुत बहुत ज्यादा होता है एरे के क्वेश्चन में। तुम इसका बहुत तरीके से यूज कर सकते हो और अगर तुम्हें ये टेक्निक नहीं पता है तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसलिए आज मैंने इस वीडियो में इस टेक्निक का इंट्रोडक्शन दे दिया तुम्हें। तो काउंट सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से तुम समझते हैं। तो यार मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा एरे है 1, 2, 15, 3, 8, 8, 7, 6, 5, 2, और मैं तुम्हें कहूँ इस एरे को तुम्हें सॉर्ट करना है और वो भी एन कॉम्प्लेक्सिटी में, एन लॉग एन में। तुम सभी जानते हो मर्ज सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्विक सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये फास्टेस्ट एल्गोरिदम तुमने पढ़ा होगा कि सॉर्टिंग में फास्टेस्ट एल्गोरिदम एन लॉग एन होता है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस एरे को सॉर्ट करना है एन कॉम्प्लेक्सिटी में, और तुम्हें ये गिवन है कि एरे में कोई भी जो एलिमेंट होगा वो 1 से लेकर 10 की पावर 6 के बीच में ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हम हमेशा काउंट एरे का यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं कि जो तुम्हारी रेंज होती है एलिमेंट की, कि एलिमेंट तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो जो तुम्हारा मैक्सिमम रेंज होता है हम उस साइज़ का एक एरे बना लेते हैं काउंट नाम से, और उस एरे में सारे एलिमेंट को हम इनिशियली ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर तुमने यार एरे में ट्रेवर्स करा, मान लो तुम्हें पहला एलिमेंट मिलता है 1, तो इस 1 को तुम इस एरे के इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर एक नंबर जो तुम्हें एरे में मिलेगा उसके रिप्रेजेंटेशन में एक ना एक इंडेक्स ज़रूर होगा काउंट एरे में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा हर एलिमेंट का रेंज 1 से लेकर 10 की पावर 6 तक का है, और इसी रेंज का हमने एक एरे ले लिया है। तो 1 को रिप्रेजेंट करता हुआ तुम्हें ये पोजीशन मिल जाएगी, पोजीशन 1 है। 2 रिप्रेजेंट करता हुआ पोजीशन 2 है। 15 रिप्रेजेंट करता हुआ पोजीशन 15 होगी। तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोजीशन होगी, एरे का एक इंडेक्स होगा। तो अगर मेरे को 1 मिल गया, मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दिया और मैं आगे चला, मेरे को 2 मिल गया, मैंने 2 में इंक्रीमेंट कर दिया। मेरे को 15 मिला, मैंने 15 में इंक्रीमेंट करा। 3 मिला, 3 में इंक्रीमेंट करा। यानी कि जो जो एलिमेंट हमें मिलते गए हम उस पोजीशन में इस एरे के इंक्रीमेंट करते चले गए। ऐसे करते करते हमारे जितने एलिमेंट आए होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस में हमारी वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी, हमें 0 नहीं मिलेगी। और जो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं होंगे वहाँ पे वो वैल्यू 0 ही रहेगी। और अगर बात करें इसको अगर सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट कैसे करेंगे, हम इस एरे में सिंपली स्टार्टिंग से चलेंगे। तो अगर हमारा 1 आया था तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर होगा और जो 0 से बड़ा होगा, तो 1 आया होगा तो हम बस यही चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 0 है या 0 से बड़ा नंबर है। अगर 0 से बड़ा नंबर है तो हम उसे प्रिंट करवा देंगे। तो तुम देख रहे हो कि हम अगर सीरीज में चलेंगे तो हमारी इंडेक्सिंग सारी पहले से ही सॉर्टेड है, और हमारे सारे इंडेक्सिंग से हमें पता चल जाएगा कि एरे में हमारा कौन सा एलिमेंट था। तो हमारे ये जितने भी नंबर अब प्रिंट होंगे वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे, यानी कि एरे हमारा सॉर्ट हो गया। और मान लो यही क्वेश्चन होता कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी बतानी है कि एक नंबर कितनी बारी आया है एरे में, तो सिंपल तुम्हें क्या करना था कि अगर उस पोजीशन में हमारा जो एलिमेंट है वो 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को प्रिंट करवा देंगे और उस एलिमेंट को प्रिंट करवा देंगे। ये एलिमेंट जो इस पोजीशन पे पड़ा है वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, वो बस सिंपली यही रिप्रेजेंट करता है कि एरे में वो एलिमेंट कितनी बारी आया है। तो सिंपली तरीके से हमें को फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, हमने इससे सॉर्ट भी कर दिया, हम इससे डुप्लीकेट भी रिमूव कर सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे रिमूव कर सकते हैं, मान लो ये हमारा 1 3 बारी आता है एरे में, तो तीनों बारी ये एक ही पोजीशन पे एलिमेंट को इंक्रीमेंट करवाएगा, यानी कि इसने चेंजेस सिर्फ एक ही पोजीशन पे करी। तो 1 हम एक ही बारी काउंट करेंगे जब हम चेक करेंगे कि हमारे कितने टोटल एलिमेंट हैं एरे के अंदर, और सारे डुप्लीकेट हमारे एक एक करके रिमूव हो जाएंगे।
तो यार ये हमने काउंट सॉर्ट देखा कि इसके कितने कितने यूजेस हैं, मैंने लिख रखे हैं। तुम इससे डुप्लीकेट हटा सकते हो, तुम इससे एरे को सॉर्ट कर सकते हो, तुम इससे किसी भी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हो। और मान लो अगर तुम कोई एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें तुम आइटरेट करते वक्त तुम्हें ये देखना हो किसी पॉइंट पे कि क्या ये नंबर मैंने पीछे कहीं पे देखा है या नहीं देखा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो तुम काउंट सॉर्ट से ये भी डायरेक्ट बता सकते हो। उसी पोजीशन पे तुम सिंपल उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को चेक कर लोगे काउंट एरे में, अगर वो नॉन ज़ीरो नंबर हुआ तो यानी कि तुमने वो पहले देख रखा है, अगर वो ज़ीरो हुआ तो यानी कि वो पहले नहीं आया है। तो इस चीज़ में भी काउंट सॉर्ट हेल्प करता है। और मान लो किसी ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारे पास आ जाता है कि तुम जहाँ पे बहुत सारे सम्स निकाल रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर सम किसी सेगमेंट का है, कोई दूसरा सेगमेंट का है, कोई तीसरा सेगमेंट का है, और सारे कंप्यूटेशन के बाद तुम्हें ये चेक करना हो कि क्या ये सम मैंने कभी निकाला था, क्या ये चीज़ मैंने पहले कभी निकाली थी, तो वो भी तुम काउंट सॉर्ट से बना सकते हो। तो यार ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको अगर बहुत तरीके से यूज़ करा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है। ये मैंने इंटीजर के लिए बताया, इंटीजर के लिए इसको विजुलाइज करना आसान है, हर नंबर के लिए एक इंडेक्सिंग होगी, वो तुम्हारे को क्लियर हो गई होगी। अगर कोई तुम्हारा डाउट रहता है इस टेक्निक को लेके तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब इसका हम फटाफट से कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है जिसमें मैंने n इनपुट ले लिया है जो कि एरे का साइज़ है। बेसिकली एरे मैंने बना दी है n प्लस 4 साइज़ की, हमेशा तुम जितनी गिवन साइज़ होती है उससे 3-4 एक्स्ट्रा लिया करो, वो सेफ रहता है ताकि सेगमेंटेशन फॉल्ट कभी ना आए। तुमने एरे इनपुट ले लिया, हमने एक काउंट एरे बना दिया है जिसका साइज़ हमने a के साइज़ से ज़्यादा लिया है। मान लो a में अगर एलिमेंट होते n तक, 1 से n तक, तो काउंट एरे का साइज़ हमने n प्लस 1 लिया है। ऐसा हमने क्यों लिया है कि अगर मान लो तुम्हारा सारे इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन को और तुम्हारे इंटीजर में 0 अगर नहीं आता है तो हमारा ये वाला इंडेक्स कभी यूज़ नहीं होगा। और मान लो हमारा n नंबर आता है, जैसे मान लो कि एरे में मैक्सिमम एलिमेंट 10^6 तक हो सकता था, तो तुम्हें पता है अगर तुमने काउंट एरे 10^6 तक बना दिया तो एक्चुअल में उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से लेके 10^6-1 तक होगी। तो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा साइज लेना पड़ेगा 10^6 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे जितना एरे के एलिमेंट का रेंज, तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे काउंट एरे का साइज़ उतना लिया है ताकि एलिमेंट की जो रेंजेस है, मान लो अगर एलिमेंट की रेंज n है कि एलिमेंट तुम्हारे 1 से लेके 5 तक है, तो हमने 6 साइज़ का काउंट एरे बना लिया है और इक्वल्स टू ब्रेसिस में 0। इसका क्या मतलब है? तो यार जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है इसका मतलब, ये डायरेक्टली क्या करेगा, सारे एलिमेंट को पहले से ही 0 से इनिशियलाइज कर देगा, तुम्हें इसके लिए फॉर लूप अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, काउंट में काउंट के ए ऑफ आई को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि काउंट एरे का उस इंडेक्स को प्लस कर दिया जो एलिमेंट हमें मिला है। मान लो ए ऑफ आई अगर 1 होता तो काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस कर दिया। ऐसे कर करके हमने सारे प्लस करवा दिए। फिर उसके बाद हमने सिंपली आइटरेट कर लिया काउंट एरे में 0 से उसके साइज तक, जो काउंट एरे का साइज है। अगर मेरा एलिमेंट 0 से बड़ा है तो मैं उस पोजीशन को प्रिंट करवा दूंगा और वहां पे कितना मेरा वो एलिमेंट कितनी बारी आया है मैं इस चीज को प्रिंट करवा दूंगा। तो मान लो जैसे ये एग्जांपल है, इनपुट का केस लिया है मैंने कि 5 तुम्हारा एलिमेंट का साइज़ है और सारे एलिमेंट 1 से 5 के बीच में ही होंगे, 3-2, 3-2, 3 है तुम्हारे सारे एरे के एलिमेंट, तो कितना नंबर कितनी बारी आया है उसको चेक करने के लिए ये प्रोग्राम तुम्हारा ये आउटपुट जनरेट करता है। जैसा कि तुम देख रहे हो, तुम्हें दोनों नंबर 2 और 3 सॉर्टेड फॉर्म में मिले हैं, यानी कि सारे नंबर तुम्हारे सॉर्ट भी हो गए और 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि 2 हमारा 2 बार ही आया था और 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, जो कि जस्टिफाई करती है हमारे इस लॉजिक को। तो यार ये तो बात थी कि हमने इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करा काउंट एरे के थ्रू। हम कैरेक्टर को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन हो और तुम्हें ये बोला हो कि तुम्हें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए भी तुम काउंट एरे का यूज़ कर सकते हो। डिस्टिंक्ट एरे नहीं प्रिंट करवाना हो, तुम्हें सॉर्ट करना हो, तो सेम लॉजिक है। तो उसको फटाफट देख लेते हैं ये हम कैसे करेंगे। तुम्हें ये पता है कि सारे कैरेक्टर अगर
हम ए से जेड के बीच में लेते हैं, यानी कि टोटल 26 करेक्टर हो गए हमारे, तो हम 26 साइज का एक एरे बना लेंगे जिसकी इंडेक्सिंग 0 से 25 तक होगी, और सारे एलिमेंट को हमने स्टार्टिंग में 0 कर दिया है। तो मैंने जैसा बताया था, इंटीजर को विजुलाइज करना आसान होता है कि इंटीजर एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है उस चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम्हारे को एक स्ट्रिंग गिवन होगी, ABCC। ये स्ट्रिंग तुम्हारे को गिवन है, तुम्हें इसमें इसको सॉर्ट भी करना है और ये भी बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बारी आया है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं ए कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स में से माइनस करूँ तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, तो उसको देखते हैं। अगर मैं ए में से ए माइनस करूँगा तो 0 आएगा, बी में से ए माइनस करूँगा तो 1 आएगा, सी में से ए माइनस करूँगा तो 2 आएगा, और ऐसे करते करते जेड में से ए माइनस करूँगा तो 25 आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये साफ साफ एक पैटर्न आ रहा है जिसमें 0 से 25 इंटीजर तक तुम्हारे सारे इंटीजर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 A को रिप्रेजेंट करता है, 1 B को रिप्रेजेंट करता है, 2 C को रिप्रेजेंट करता है। तो आई गेस तुम्हें इस चीज़ का पता लग गया होगा कैसे हम काउंट एरे को यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने में। तो फटाफट से इसका कोड भी देख लेते हैं ताकि इसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग में कैसे करते हैं वो तुम्हें क्लियर हो जाए। तो यार यहाँ पे मैंने एन में साइज़ ले लिया है कि मेरी स्ट्रिंग का साइज़ क्या होगा, यानी कि कैरेक्टर एरे का मेरा साइज़ क्या होगा। मैंने कैर वेरिएबल कैर डेटा टाइप का एक एरे बना लिया है ए नाम से। मैंने इनपुट ले लिया जो कि मेरा इनपुट इस केस में DDBC है, DDABC है। फिर उसके बाद मैंने एक काउंट एरे बना लिया 26 साइज का और सारे वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने काउंट के किस पोजीशन पे मेरे को प्लस करना है, तो मेरे को कैरेक्टर माइनस ए इस पोजीशन में मेरे को प्लस प्लस करके दे दो। यानी कि अगर मेरा कैरेक्टर ए हुआ तो ए माइनस ए 0th पोजीशन पे मेरे को प्लस प्लस करके दे दो, बी हुआ तो बी माइनस ए 1 पोजीशन पे मेरे को प्लस प्लस करके दे दो। ऐसे करके जब ये मेरा पूरा लूप चल जाएगा, तो इस लूप को चलने के बाद हम सिंपल यही देख लेंगे काउंट एरे में ट्रेवर्स करके कि अगर मेरा काउंट एरे का एलिमेंट ग्रेटर है, यानी कि ये एलिमेंट मेरा आया हुआ है, तो मैंने एक कैर कैरेक्टर बनाया CH नाम से जिसमें मैंने ए में इस इंडेक्स को प्लस करवा दिया। क्योंकि यार अगर हमारे को ये बताना हो ए कितनी बारी आया है, तो अगर हमें ए प्रिंट करवाना है तो जैसे हमने ए में से ए माइनस करा था, वैसे ही अगर हम ए में प्लस उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर प्लस कर दें तो हमारा वो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर मिल जाएगा। तो ए में अगर 0 प्लस करा तो हमें ए मिलेगा, ए में अगर 1 प्लस करा तो हमें बी मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सी आउट करा दिया इस कैरेक्टर को, और इस कैरेक्टर ये कैरेक्टर कितनी बारी आया है ये प्रिंट करवा दो। इसको हम रन करेंगे तो हमारा कुछ आउटपुट आएगा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा कि ए तुम्हारा एक बार ही आया है इस कैरेक्टर एरे में, बी तुम्हारा एक बार आया है, सी तुम्हारा एक बार आया है, और डी तुम्हारा 2 बार आया है। तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में भी मिल गया और सारी फ्रिक्वेंसीज भी मिल गई। तो आई होप तुम्हें ये टेक्निक समझ आई होगी और इसका तुम यूज़ करते रहोगे आने वाले क्वेश्चंस में। फटाफट से अब हम अपने इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यार आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि तुम्हें रिपीटेड एलिमेंट फाइंड करने हैं एक एरे में जिसमें सारे एलिमेंट 1 से लेके n के बीच में होंगे, और अगर कोई एलिमेंट उसमें रिपीट करता है तो तुम्हें उनमें से कोई सा भी एलिमेंट बता देना है। कि मान लो अगर तुम्हारा एरे है 1 2 3 4 2 1 3 4 5 6, तो इसमें तुम देख रहे हो 2 और 1 3 और 4 ये सारे रिपीटेड एलिमेंट है। तुम इनमें से कोई सा भी एक बता सकते हो कि ये मेरा रिपीटेड एलिमेंट है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट केस क्या है, इसमें ये है कि तुम्हें ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कम स्पेस लेना है। यानी कि तुम जैसे नॉर्मल काउंट एरे बनाते थे वो भी अब नहीं बना सकते इंट साइज का, उससे कम स्पेस में तुम्हें ये काम करना है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होनी चाहिए। और एरे रीडेबल है सिर्फ, यानी कि तुम एरे में भी कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यार अगर तुम्हें मैं कहूँ कि मैं सेम टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ काउंट एरे का, लेकिन मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन से छोटी होगी, तो आई थिंक बहुतों के लिए ये बात बहुत नहीं होगी। वो हम कैसे करेंगे, वो हम बूल
डेटा टाइप का यूज़ करके करेंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं बूल डेटा टाइप क्या होता है, मैं उनको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। बूल डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, वो तुम्हारा बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बूल डेटा टाइप सिर्फ जीरो या वन में बात करता है, जो तुम्हारी मशीन लैंग्वेज होती है। बूल वेरिएबल में तुम या तो जीरो रख सकते हो या तो वन रख सकते हो, यानी कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज है ये, जैसे मशीनों में चीज़ें काम करती हैं, तो हमें पहले से पता है कंप्यूटर साइंस में कि ज़ीरो और वन को स्टोर कराने के लिए हमें एक बिट की ज़रूरत पड़ती है। तुमने कभी बाइनरी नंबर पढ़ा होगा, तो बाइनरी सारी एक बिट में एक नंबर आता है तुम्हारा। तो अगर हम बूल एलिमेंट पूर एरे का यूज़ करते हैं, तो उसका एक एलिमेंट एक बिट का साइज़ लेता है, लेकिन उसकी जगह अगर हम इंट एरे का यूज़ करते हैं, तो उसका एक एलिमेंट का साइज़ मैक्सिमम 32 बिट्स होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि एक इंट 4 बाइट्स का होता है और एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो एक एलिमेंट के लिए हमें 32 बिट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बूल एरे में हमें एक एलिमेंट के लिए एक बिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का यही कैच था कि अगर तुमने एरे बूल का बना लिया, हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करनी है, हमें सिर्फ डुप्लीकेट का पता लगाना था। तो हमें सिर्फ यही पता लगाना था कि ये एलिमेंट हमारा पहले कभी आया है कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो वो वन होगा, नहीं आया होगा तो वो ज़ीरो होगा। तो बूल एरे का यूज़ करके हमारा ये क्वेश्चन ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कम में हो जाएगा। आई होप तुम्हें यार ये फैक्ट पसंद आया होगा, और कभी भी तुम्हें कम स्पेस चाहिए हो तो हमेशा बूल वेक्टर बनाओ या बूल एरे बनाओ। तो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन इंटरव्यू बिट पे है, जो अमेजोन वीएमवेयर और रिवरबेड जैसी कंपनी में पूछा गया था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इसका मैं कोड रिव्यू करवा देता हूँ जो हमने लॉजिक सीखा है। कि मान लो हमने बूल एक एरे बनाया वी नाम का, जिसमें एरे का जितना साइज़ है प्लस वन एक कर दिया, कि एरे का साइज़ मान लो एन है, तो हमें पता है कि वन से लेके एन तक ही एलिमेंट्स होंगे सारे इसमें। तो हमने साइज़ प्लस वन कर दिया, वही बात होगी क्योंकि हम वन और एन दोनों इंडेक्स यूज़ करना चाहते हैं। मैंने सारे एलिमेंट को पहले इनिशियली फॉल्स कर दिया, फिर मैं एरे में ट्रेवर्स करता गया इफ़ नॉट ऑफ वी ऑफ ए ऑफ आई। इस कंडीशन का ये मतलब हुआ हमारा सिंपली कि अगर मेरा v ऑफ a ऑफ i, यानी कि a ऑफ i मान लो अगर 1 है और मेरा 1 अभी पहले कभी भी नहीं आया है, तो यानी कि v ऑफ a ऑफ i यानी v ऑफ 1 मेरा फॉल्स होगा। तो फॉल्स के आगे अगर नॉट लगा दूं मैं, तो फॉल्स मेरा ट्रू हो जाएगा। तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि अगर ये एलिमेंट मेरा पहले कभी नहीं आया है, तो इस पोजीशन में मैं ट्रू कर दूंगा। लेकिन अगर मान लो ये एलिमेंट मेरा पहले कभी आया होता, तो अगर ये मेरा पहले कभी एलिमेंट आया होता तो v ऑफ 1 मेरा ट्रू हो जाता, और नॉट लगा है आगे तो ये इसको फॉल्स कर देता, तो ये कंडीशन मेरी नहीं चलती और एल्स में जाता और मैं रिटर्न करा देता a ऑफ i, यानी कि 1 मेरा पहले आ चुका है तो 1 मेरा रिपीटेड एलिमेंट है। तो ऐसे तुमने देख लिया कि अगर कोई भी डुप्लीकेट हमें कभी भी मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देंगे। ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है डुप्लीकेट। तो तुम चाहो तो सिंगल डुप्लीकेट भी रिटर्न कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा होता कि तुम्हें सारे डुप्लीकेट रिटर्न करने हैं, तो तुम इस नंबर को किसी एक एरे में स्टोर करवा लेते और एक एक करके जितने भी हमारे डुप्लीकेट हैं उसको स्टोर करवाते जाते, और लास्ट में हम वो एरे सीधा प्रिंट करवा देते, तो हमारे सारे डुप्लीकेट मिल जाते। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट रह जाए किसी भी पॉइंट में, तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो कैसे हम इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हैं, कैसे एलिमेंट इंडेक्स से रिलेट कर रहे हैं, तो उसको कमेंट करना। अगला जो नई टेक्निक है वो काउंट एरे से डिफरेंट है। मान लो अगर सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें देता कि तुम्हारे को एक एरे दिया हुआ होगा, तुम्हें इसमें डुप्लीकेट बताना है कि कोई भी एलिमेंट इसमें डुप्लीकेट है या नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सारे एलिमेंट तुम्हारे अभी भी 1 से n के बीच में होंगे, लेकिन इसमें सर्कमस्टेंसेस मैंने चेंज कर दिए हैं। तुम इस केस में एरे को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाएगी, यानी कि अब तुम किसी एडिशनल एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना किसी एरे या किसी और भी चीज़ का यूज़ करे, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को जनरेट करे, तुम्हें ये बताना है कि कोई भी एलिमेंट इसमें डुप्लीकेट है या नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे?
तो यार ये भी टेक्निक इंडेक्सिंग पे ही बेस्ड है कि मान लो अगर तुम्हारा एरे में 1 से लेके n तक एलिमेंट हैं और तुम्हार को पता है कि तुम्हारा साइज एरे का अगर n+1 ले लूँ मैं और 1 से एलिमेंट स्टोर कराना स्टार्ट करो, यानी कि 0 पे मैं कुछ भी ना रखूँ, 1 बेस इंडेक्सिंग कर दूँ एरे की कि पहला एलिमेंट 1 प्लेस पे जाए, दूसरा 2 पे जाए और ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट n प्लेस पे जाए, तो तुम्हारे पास n नंबर्स हैं और तुम्हारे पास n इंडेक्स भी है, यानी कि हर हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स तुम्हारे पास एरे में पहले से ही सेम एरे में प्रोवाइडेड है। तुम बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करे भी बता सकते हो कि ये नंबर तुम्हारा पहले आया है कि नहीं आया है। वो हम कैसे करेंगे उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो तुम्हारा ये एक एरे गिवन था 1 2 3 4 5 6 7 7, इसका साइज 9 है, तो ये तुम्हारा एरे जो है ये हमने 10 साइज का ले लिया, जो जितने एलिमेंट होंगे हमारे को जितना एन गिवन होगा उसमें +1 करके एक एडिशनल साइज ले लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 1 से 9 तक एलिमेंट हो सकते थे, तो हमें ये 9th पोजीशन चाहिए जो कि हमें 9 साइज के एरे में नहीं मिलता। तो इस 0 वाले में हम कुछ भी नहीं डालेंगे और बाकी सब में हम एलिमेंट फिल कर देंगे। तो यार इसमें जब हम एरे में आइट्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि सारे नंबर 1 से n के बीच में है, यानी कि सारे नंबर हमारे पॉजिटिव हैं। हम किसी भी इंडेक्स पे जाएंगे तो हमें नंबर पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो मान लो अगर हमारा पहला नंबर आया 1, तो 1 कभी भी आया तो हमने क्या करा, 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था हमने उसको नेगेटिव बना दिया। फिर मान लो कभी आगे चल के हमारा दोबारा से 1 आया तो हम 1 इंडेक्स पे चेक करेंगे क्या वहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर यार हमारा वो एलिमेंट पहले आया होगा तो उस जगह पे हमारा जो नंबर पड़ा होगा वो नेगेटिव होगा, वरना वो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव बना देंगे। और कोई इंडेक्स हम एक से ज़्यादा बारी तभी देखेंगे जब कोई एक एलिमेंट रिपीट होगा, वरना कोई भी इंडेक्स हम एक से ज़्यादा बारी विजिट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, इसको एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो हमारे को ये एरे गिवन था जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 3 4 5, हमने जीरो पे कोई भी एलिमेंट नहीं डाला है, हमने 1 से लेके 6 तक में सारे एलिमेंट डाल दिए हैं। तो मान लो पहले विजिट में हमें 1 मिला तो हमने देखा कि 1 पोजीशन पे 1 बाय कोइंसिडेंस 1 1 की जगह पे ही है और 2 2 की जगह पे ही है, लेकिन अगर ये 1 कहीं और भी होता तब भी हम यही देखते कि जो हमें नंबर मिला उस पोजीशन पे जो नंबर है हमारा क्या वो पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो यानी कि हमें वो नंबर मिल गया है जो रिपीट हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा 1 पोजीशन पे 1 था तो ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। अगले विजिट में हम 2 इंडेक्स पे आए, हमने देखा क्या 2 पोजीशन पे हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने देखा ये नंबर भी पॉजिटिव है तो हमने इसको भी नेगेटिव कर दिया। अगले विजिट में हम 3 पे आए तो हमने देखा 3 पे क्या हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने देखा ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने इसको भी नेगेटिव कर दिया। अब जब 4th एलिमेंट हमने रीड करा तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये 4th एलिमेंट 3 है, तो हम फिर चेक करेंगे क्या 3rd पोजीशन पे हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें इस केस में मिल गया कि यार 3 हमारा -3 हो चुका है, यानी कि जो 3rd प्लेस पे नंबर है वो नेगेटिव है, यानी कि हम इस प्लेस को पहले भी विजिट कर चुके हैं। एक प्लेस को हम एक से ज़्यादा बारी विजिट तभी करेंगे जब कोई नंबर, यानी कि जो उसका इंडेक्स है, इंडेक्स इसका 3 है, यानी कि 3 हमारा एक से ज़्यादा बारी आया होगा तभी हम इस पोजीशन को विजिट करेंगे। तो हमने देखा कि अगर ये नंबर हमारा 3 नेगेटिव है तो हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे हमारे फॉर लूप को और अपना आंसर इस इंडेक्स को प्रिंट करवा के दे देंगे कि हमारा ये इंडेक्स का नंबर रिपीट हो रहा है। तो इफ कंडीशन सिंपल सी एक यही बनेगी कि ए ऑफ, हमें क्या चेक करना है हमेशा कि ए ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ ए ऑफ आई। अब एब्सोल्यूट फंक्शन का मैंने यूज़ पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखो उसको। तो एब्सोल्यूट का यूज़ मैंने इसलिए कराया कि यहाँ पे तो हमारे को सारे नंबर ऑर्डर में मिल गए, लेकिन मान लो अगर पहला नंबर हमारा 4 होता तो हम 4th इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा होता उसको नेगेटिव कर देते। तो
अगर फोर्थ इंडेक्स पे हमारा जो नंबर पड़ा होता वो 1 होता तो माइनस 1 हो जाता। तो अभी हम फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं आए हैं, तो आइट्रेट करते वक्त जब हम फिफ्थ इंडेक्स पे आते हम देखते यहाँ पे माइनस 1 पड़ा हुआ है, तो माइनस कभी भी इंडेक्स नहीं हो सकता, इंडेक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। और ए के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स लिख रहे हैं, तो इंडेक्स को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए मैंने एबीएस का यूज़ कराया है। तो ये मेरे को क्या कर देगा, माइनस 1 का 1 दे देगा। तो मैं ये अगर मेरे को माइनस 1 भी मिलता है तो मैं सिंपली यहाँ पे यही चेक करूँगा कि क्या मेरा ए ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यानी क्या मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे तुम्हार को पता चल जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे, वरना वी गॉट आर आंसर। तो यार इसका कोडिंग पार्ट फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। मान लो हमारे 5 एलिमेंट हमें गिवन थे, तो n में मैंने इनपुट ले लिया 5 एलिमेंट, मैंने एक एरे बना लिया a, n प्लस 4 साइज़ का बना लिया, ज़्यादा एक्सरसाइज ले ली, मैंने इनपुट ले लिया एरे का। तो मान लो हमारा एरे अगर ये गिवन था कि 4 4 3 2 1 4, तो तुम देख रहे हो कि 4 इसमें 2 बार रिपीट हुआ है। बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को हम इसको करेंगे तो हम सिंपली एरे में आइट्रेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि a ऑफ़ i यानी कि जो पहला नंबर आया 4, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या वो नंबर हमारा पॉजिटिव है। तो अगर वो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा जैसा कि इस केस में है, तो हमने उस नंबर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको नेगेटिव कर दिया। अगले आइट्रेशन में हम 3 पे आएंगे तो हम देखेंगे क्या थर्ड पोजीशन पे हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो हाँ वो पॉजिटिव है, हमने इसको नेगेटिव कर लिया। अगले आइट्रेशन में हम आएंगे 2, तो हम चेक करेंगे क्या सेकंड पोजीशन पे हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो हाँ वो पॉजिटिव है, हमने इसको -3 कर दिया। अगले पोजीशन पे हम देखेंगे 1, तो हम देखेंगे क्या फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है, तो हमने कहा हाँ पॉजिटिव है, तो हमने इसको -4 कर दिया। लास्ट में जब हम आएंगे 4 पे, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा फोर्थ पोजीशन पे एलिमेंट पॉजिटिव है। तो जैसा कि तुम्हें याद होगा, हमने पहले स्टेप में 1 को -1 करा था, तो हमारा ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और सिंपली हम वो पोजीशन प्रिंट आउट करवा देंगे, यानी कि हमने 4 प्रिंट आउट करवा दिया। तो इससे हमें हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाएगा बिना किसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करे हुए। तो आई होप यार तुम लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, तुमने बहुत सारी नई चीज़ें इसमें सीखी होंगी, कैसे काउंट एरे का बहुत यूज़ होता है, कैसे हम इंडेक्सिंग के साथ खेल के एक एरे के डिफ़िकल्ट लगने वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देते हैं। एरे के जनरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मेरा यार यही सजेशन होगा कि तुम इंडेक्सिंग पे ध्यान दो। एरे के बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इंडेक्स को मॉडिफाई करके ही तुम्हारे सॉल्व हो जाते हैं जनरली। तो यार अगर तुम्हार को ये क्वेश्चन और ये टेक्निक पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को। आने वाली सारी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। इसको यार अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जो तुम्हें लगता है कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। ये इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तुमने कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।